खबर रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस पार्टी के शहर कार्यालय स्थित उरहट में गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। हालांकि विकास तिवारी पुराने कांग्रेसी हैं और अमैया परिवार से जुड़े हुए हैं। अमैया परिवार के आशीर्वाद लिए बिना गंगेव जनपद अध्यक्ष नहीं बन सकते थे, जिनके साथ कई सरपंच और अन्य कांग्रेसियों ने सदस्यता लेने की बात कही है। आपको बता दें कि जो भी नाम सामने आए हैं और वीडियो में देखा जा रहा है, ये सभी ज्यादातर पुराने कांग्रेसी हैं। लेकिन भाई साहब, चुनाव है, चुनाव में दिखाना भी तो जरूरी है कि दूसरी पार्टी के लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तभी तो जनता के सामने रेरा खिंच पाएगा कि नेताजी बहुत मजबूत स्थिति में है। हालांकि नेताजी कितनी मजबूत स्थिति में है, यह तो 3 दिसंबर को ही परिणाम सामने आएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेने की बात कहने वाले कौन है और क्या कह रहे हैं। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि कल हम सब भोपाल में पंचायत प्रतिनिधि जन अधिकार पंचायत राज संगठन का मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के उपस्थिति में और रीवा महापौर माननीय बड़े भाई अजय मिश्रा बाबा जी की उपस्थिति में हम सब हजारों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने कांग्रेस की विचारधारा को मानते हुए, स्वीकार करते हुए और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिस संबंध में ये बैठक आप सबको बुलाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान के लिए 1993 की जो धारा थी, जो पंचायत राज अधिनियम में लागू थी, उसकी मांग को लेके हम लोगों ने कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने और बड़े रीवा जिले के प्रभारी प्रताप भानु जी के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाई थी और उस बात के माध्यम से ये तय हुआ कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सारे पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार जो 93 में थे वो पूर्णतः बहाल कर दिए जाएंगे। इसी आधार से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की जो पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रति दुर्व्यवहार था, उससे दुखी होकर हम सभी प्रतिनिधियों ने यह संकल्प लिया है कि पूरे रीवा जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मदद करेंगे और साथ में हम सब मिलजुल कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मानसिकता और विचारधारा मैं परम पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी के साथ, राजनैतिक मेरे गुरु थे, उनके साथ काम करता रहा। ये बात सही है कि जनपद में सर्वदलीय रूप में बना था, गए भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का विरोध किया गया, जिला पंचायत का घेराव किया गया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। लगातार हम सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते रहे और उनकी जो उद्देश्य थे हम पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने का, उसके खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ते रहे। और आज हम सब लोगों ने यह तय किया है कल माननीय कमलनाथ जी के सामने कि हम लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपके साथ कितने लोग सदस्य? हमारे साथ कुल 6500 जनप्रतिनिधियों सदस्यता ली है, पर हम पर उपस्थिति हम लोगों की थी क्योंकि सारे लोगों को एक साथ ले जाया नहीं जा सकता। जिले वाई जिले कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं, जो बड़े नेता आएंगे उनके सामने उनको तौलिया पहनाकर, पर्ची कटवाकर, सदस्यता पर्ची कटवाकर उनकी सदस्यता कराई जाएगी। पर हम लोग अभी 70 सरपंच, 17 सरपंच, 17 जनपद सदस्य और 2 जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और अजय मिश्रा बाबा जी की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की। रीवा जिले के जी ये लगातार पूरे जिले और पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में ये सिलसिला जारी रहेगा और लगातार अभी पाली जनपद और वहाँ संगरौली जनपद, सीधी की मझौली जनपद, ऐसी कई जनपदें हैं जहां कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और ये सदस्यता अभियान लगातार जारी रहेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी ताकत लगाएंगे और अंत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम पंचायत प्रतिनिधि और जनता का मान सम्मान बढ़ेगा। सरकार बनने के बाद अगर नहीं मांगी पूरी एक एक कर छोड़ देंगे कांग्रेस आप? भाई वचन पत्र में आने के बाद मुझे ये विश्वास है क्योंकि कमलनाथ जी मेरे प्रदेश के नेता हैं और वो सत्य के रास्ते में चलने वाले हैं और जिनके सामने हम सबकी उपस्थिति में सदस्यता ली गई है, उन्होंने हम सबको पूरा आश्वासन दिया है कि हम सब आपकी मांग को तुरंत मानेंगे और 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के पहले पंचायत प्रतिनिधियों के मूल अधिकारों को बहाल करने की बात उन्होंने कही है। उसी आश्वासन और उसी विश्वास में हम मानते हैं कि कमलनाथ जी हमारी बात मानेंगे।
भाई वर्तमान में तो कांग्रेस ही चलने को दिख रही। हम पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल सरकार रही और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया गया। भोपाल में हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को जेल में ठूसा गया। हम लोग भोपाल में आंदोलन करने गए, लगातार जंगलों में छोड़ा गया रात को 1:30-1:30 बजे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ, सब प्रताड़ना और दुखी होकर हम सब ने ये तय किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। आपने कहा दुर्व्यवहार कैसा दुर्व्यवहार? भाई दुर्व्यवहार यही है कि हम सब मांग कर रहे थे कि हमारे अधिकारों को बहाल किया जाए। जो दिग्विजय सिंह ने 93 में लागू किया था उसको आपने ख़त्म किया धीरे धीरे, तो उसकी मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से हमारे जनपद में जो हमको अधिकार होने चाहिए, जिन दायित्वों के लिए हमको बैठाया गया था, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुचलने का प्रयास किया है और हम सब उसको मनवाने के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर दम लेंगे। मेरी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लगातार 1.5 वर्ष से मेरी लड़ाई चल रही है। ये पत्रकार साथी बहुत सारे मौजूद हैं। मैं गंगेव में काला झंडा दिखाना, हम लोगों के FIR होना, कलेक्टर के यहाँ जाना, यहाँ धरना करना, जिला पंचायत में तालाबंदी होना, लगातार 1 वर्ष से हमारा भोपाल में कार्यक्रम होना लगातार चल रहे हैं। यहाँ मेरे यहाँ 9 तारीख को हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का आगमन हो रहा और लगा और मित्तल साहब, प्रताप भानु जी, सारे बड़े नेता आ रहे हैं। कमलनाथ जी का उसमें पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल का काम कर रही। चर्चा देखिए, नाराजगी होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति अपनी दावेदारी करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी के लिए वो काम करता है तो निश्चित रूप से प्रयास करना उसका कर्तव्य है। सब लगभग बहुत सारी चीज़ें हो गई। हमारे मनगवा में आप देखिए, दाऊ राम प्रजापत जी दावेदार थे, अन्य कई ऐसे दावेदार थे। कल सिरमौर विधानसभा में, भाई साहब, कल सिरमौर विधानसभा में